अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शगुफ्ता कुकिंग सेंटर। रमज़ान स्पेशल में आज हम बना रहे हैं चिकन के रशियन कटलेट। सबसे पहले इसके लिए हमने लिया है 250 ग्राम चिकन। इसको हमने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। अभी हम इसको सबसे पहले बॉईल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। अभी हम इसमें डाल देना है हमने आधा कप पानी और एक चम्मच नमक डाल देना है इसमें, और ये आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। अभी हमने इसे 15 मिनट के लिए बॉईल कर देना है। और अभी ये हमने ये 4 से 5 हमने मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। अभी हम इसको भी अलग से उबाल लेंगे। हमारे आलू बॉईल हो चुके हैं और अभी हमने इसको पील ऑफ करके स्मैश कर दिया है और हमारा चिकन भी श्रेड हो गया है। अभी हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और अभी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी वेजीज। हमने ये कैरेट लिया है, इसको ग्रेट कर लिया है और ये डाल देंगे। 1 कप हमने कैबेज लिया है और ये लिए हमने शिमला मिर्ची, इसको भी हमने लंबी लंबी बारीक स्लाइस कर ली है इसकी भी। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ मसाले। ये हमने लिया है एक चम्मच चाट मसाला और ये हमने डाल दिया है नमक। नमक हमने आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना है। और ये हमने डाल दिया है 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। ये हमने चिली फ्लेक्स लिए 1 चम्मच और ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च लिए, और ये हमने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1 चम्मच जिंजर और 1 चम्मच गार्लिक का पेस्ट है। अभी इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है पूरा। हमने सारे वेजेस और चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसकी बनाएंगे छोटी छोटी टिक्की। ये इस तरह से हमने इसकी छोटी छोटी टिक्की बना देनी है। अभी इसे सबसे पहले हमने डिप करना है। आप जितनी साइज़ की चाहते हो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ये मैंने मीडियम साइज़ की टिक्की बनाई है। इसे सबसे पहले डिप करना है हमने कॉर्नफ्लोर में। और फिर इसे हमने डिप करना है अंडे में। ये हमने 2 अंडे लिए हैं, इसमें नमक डाल के हमने इसे फेंट लिया है। अभी हम इसे डिप करेंगे अंडे में। और अभी हम इसे डाल देंगे सेवई में। ये हमने सेवई लिए, इसे हमने हाथ से क्रश कर लिया है। इसे अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि सेवई इस पर अच्छी तरह से कोट हो जाए। ये देखिए, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से कोट हो गई है इसके ऊपर। अभी हम इसी तरह से टिक्की लगाएंगे और अभी हमने इसे लगाकर एक प्लेट में साइड में रख देनी है। हम बाकी टिक्की भी हमने इसी तरह से बना लेनी है। ये हमने सब टिक्की तैयार कर लिए। अभी हम इसे डीप फ्राई करेंगे। हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है,
अभी हमने, आप देख सकते हैं बहुत ही, आप चाहे तो इसे स्टोर भी कर सकते हैं कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में। अभी हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अभी हम इसे फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। बिस्मिल्लाह। हमने बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं करना है, हमने मीडियम फ्लेम पर ही हमने इसको फ्राई करना है, क्योंकि हमारी, वरना हमारी टिक्की, हमारे पैटीज जल जाएंगे। हमने इसकी साइड चेंज कर ली है, अभी हम इसे, अभी हमने इसे नीचे से भी फ्राई कर लेना है। फ्लेम को मीडियम ही रखें। ये हमारे फ्राई हो चुके हैं बहुत ही माशाल्लाह, गोल्डन भी हो चुके हैं। अभी हम इसे बाहर निकाल देंगे। अभी हम डाल देंगे दूसरी बैच, इसे भी हमने गोल्डन फ्राई करना है। इसी तरह अभी हम सारे कटलेट तैयार कर लेंगे। ये हमारे कटलेट तैयार हो चुके हैं, ये बहुत ही माशाल्लाह क्रिस्पी हो गए हैं, आप देख सकते हैं। मैं इसे तोड़ के आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही बढ़िया हो गए हैं। ये इस पर हमने जो कोटिंग किया है कॉर्नफ्लोर का, इससे हमारे कटलेट एकदम क्रिस्पी हो गए हैं, अंदर से भी एकदम कड़क हो गए हैं। आप ज़रूर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू।